डियर स्टूडेंट्स, युवाम की इंग्लिश लैंग्वेज में डीजी ग्रामर क्लास में आज जो हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ले रहे हैं वह है वर्ब टू बी के जो चार यूज हम सीख चुके थे उनमें अगले यूज क्या है। तो मैं एक बार के लिए आपको ये चैप्टर रिपीट कर दूं जो अभी तक हमने वर्ब टू बी में पढ़ा है। वर्ब टू बी से मेरा तात्पर्य है प्रेजेंट में इसकी फॉर्म होती है इज आर एम, पास्ट में इसकी फॉर्म होती है वॉज एंड वर, मॉडल्स में डायरेक्टली बी लग जाता है जैसे कि शैल बी, विल बी, कैन बी, मस्ट बी, इस तरीके से बी लग जाता है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जब इसे मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर मेन वर्ब के रूप में जब इसका यूज करते हैं तो यहां जो भी आप सब्जेक्ट लगाते हैं इसके साथ यहां पर लिंकिंग वर्ब के रूप में, जोड़ने के रूप में इज आर एम और वॉज वर लगाएंगे। साथ में यहां पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में आप लोग या तो नाउन का प्रयोग करते हैं या एडजेक्टिव क्वालिटी बताने के लिए प्रयोग करते हैं या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग होता है, और नंबर चार पर प्रेपोजिशनल फ्रीज का प्रयोग होता है। यह था मेन वर्ब के रूप में। लेकिन जब हम लोग वर्ब टू बी को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट प्लस यहां पर इज आर एम वॉज वर और जो बी जिसे हम लोग कह रहे हैं, तो कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग इनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में। पैसिव वॉइस में यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और साथ में आप यहां पर टू फॉर्म का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे याद ध्यान दें आप लोग कि जो भी वर्ब हैं उनकी पांच फॉर्म हम सामान्यतः मानते हैं, जैसे कि प्रेजेंट फॉर्म यानी सामान्य बातचीत में हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म जनरली जो कि पास्ट फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म जिसे कि पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, आईएनजी फॉर्म जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, और साथ में टू फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ध्यान दीजिए इज आर एम के बाद कभी भी एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं हो सकता। इनके बाद या तो आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस में लगाएं जैसा कि लिखा है, या फिर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें, या फिर आप यहां पर टू फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए सात तरीके के स्ट्रक्चर हैं। पहला मेन वर्ब के रूप में मैं आपको एक सेंटेंस बोल के बता दूं, जैसे मैंने कहा आई एम ए टीचर, ये मेरा प्रोफेशन ऑक्यूपेशन या मेरे बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है, और ये सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस नाउन। दूसरा है क्वालिटी बताने के लिए आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं। तीसरा स्ट्रक्चर है ऑनेस्ट और टीचर को जोड़ दीजिए, सेंटेंस बन जाएगा आई एम एन ऑनेस्ट टीचर। और चार नंबर पर है प्रोफेशनल फ्रेज यानी आई एम इन युवाम इंस्टीट्यूट। तो ये चार स्ट्रक्चर में इन वर्ब टू बी को मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। साथ में अब हम जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो सभी कंटिन्यूअस टेंसेज में, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूअस हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्ब टू बी की अलग अलग फॉर्म्स जैसे प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट में वॉज एंड वर, मॉडल्स में शैल बी विल बी, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में हैव बीन हैज बीन हैड बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक ऐसे ही पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस की एक ही पहचान है, देखिए पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब टू बी के बाद, जो मैं यहां पे अलग से लिख रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछे कि सब पैसिव वॉइस की एक सिंगल आइडेंटिटी बताइए, पहचान बताइए, तो कह सकते हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब टू बी के बाद जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब टू बी से मेरा तात्पर्य है प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट में वॉज एंड वर, मॉडल्स में डायरेक्ट बी लगता है, शैल बी, विल बी, मे बी, मस्ट बी, कैन बी, या फिर परफेक्ट में हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन। और तीसरा स्ट्रक्चर है कि वर्ब टू बी के बाद, सॉरी टू बी के बाद यानी इज आर एम वॉज वर के बाद वर्ब की टू फॉर्म का प्रयोग करना।
तो आज के इस चैप्टर में इजारम और वॉज वर्ब के बाद किस तरीके से टू फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यह हम लोग अब डिटेल में यहां पर सीखेंगे। तो आइए अब डिटेल में हम लोग ये स्टडी करते हैं कि जब इजारम और वॉज वर्ब के बाद आप टू फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं तो इसके क्या हिंदी में मीनिंग होते हैं, क्या इसके ग्रामेटिकल एस्पेक्ट हैं, यानी ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या याद रखना है वो ध्यान दें। तो देखिए स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट में जो भी नाउन या प्रोनाउन का आप यूज करें तो उसी नाउन प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब बी, वर्ब बी से मेरा तात्पर्य प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट में वॉज एंड वर्ब, और यहाँ टू डू समथिंग में का तात्पर्य है कि टू फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस उनके साथ लगने वाले कॉमन ऑब्जेक्ट, अगर ये ट्रांसिटिव वर्ब है तो, और इंट्रांसिटिव वर्ब है तो जिन भी एडवर्ब का प्रयोग करेंगे वह एज यूजल यूज होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर फिर मैंने एक बार रिपीट किया है कि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी, वर्ब टू बी से तात्पर्य प्रेजेंट में है इज आर एम, साथ में वर्ब टू डू समथिंग मीन्स टू फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पर पास्ट में वॉज एंड वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वॉज और वर्ब का। पहले कुछ सेंटेंस आप ध्यान से देखिए जिनमें सब्जेक्ट जो भी मैंने लिया उस सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई है तो एम का प्रयोग किया गया है, और उसके तुरंत बाद टू फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि माई एम इज टू बिकम एन ऑफिसर, तो मीनिंग है मेरा उद्देश्य, अब ये इज यानी मेरा उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, टू बिकम एन ऑफिसर, मेरा उद्देश्य एक अधिकारी बनना है। तो यहां देखिए इसके बाद डायरेक्ट टू फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग हुआ है, इट मींस ये काम या ये सब्जेक्ट, ये व्यक्ति, ये योजना आने वाले टाइम में किसी को करना है या होना है। सेकंड नंबर सेंटेंस देखिए, हिज प्लान इज टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, उसकी योजना यानी उसका जो प्लान है वो क्या है, टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, एक नया व्यवसाय शुरू करने की है। तो यहां देखिए इसके बाद टू फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग हुआ है। ध्यान दीजिए फिर बहुत क्लियरली, यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इज आर एम वॉज वर्ब के बाद किसी भी हालत में प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग नहीं होता, साथ में किसी भी हालत में सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म का प्रयोग भी नहीं होता। आप केवल इज आर एम वॉज वर्ब के बाद कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, या प्रेजेंट में नियर फ्यूचर बताने के लिए टू फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, पर किसी भी हालत में इज आर एम वॉज वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। एग्जामिनेशंस में एसएससी और बैंक एग्जामिनेशंस में ऐसी एरर्स अनेक बार पूछी जा चुकी है, जैसे एक सेंटेंस था कहीं पर कि आई एम बिलोंग टू इंडिया, तो ये सेंटेंस गलत है, एम लगाना गलत है, सिंपली होना चाहिए आई बिलोंग टू इंडिया। क्लियर है? एक बहुत कॉमन एरर मैं बता दूं, मुझे याद आ गया, कुछ विद्यार्थी बहुत गलती करते हैं। मैंने अगर आपसे पूछा मैं आपसे सहमत नहीं हूं, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, सब लोग सोच लीजिए अपने दिमाग में, मैं आपसे सहमत नहीं हूं यानी मैं आपसे एग्री नहीं हूं, तो जो मुझे अधिकांश लोगों ने जवाब मिला, हो सकता है आप में भी के दिमाग में भी यही बात आई होगी, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, तो अधिकांश लोग कह देते हैं आई एम नॉट एग्री विद यू, लेकिन ये सेंटेंस 100% गलत है, क्योंकि जब आप कहते हैं आई एम नॉट एग्री विद यू तो ये एग्री यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एडजेक्टिव नहीं है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट आप फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो एम या इज या वॉज या आर का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, तो यहां इसको नेगेटिव बनाने के लिए एम नहीं बल्कि होना चाहिए आई डोंट एग्री विद यू, ऐसे में सहमत हो तो आई एम एग्री नहीं होगा, आई एग्री विद यू नेगेटिव होगा आई डोंट एग्री विद यू, क्योंकि रूल है इजारम और वॉज वर्ब के बाद किसी भी हालत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नंबर 3 पर आइए आप लोग।
His intention was to get an entry in the club. कि उसका जो intention था वह club में entry लेने का था. ये past में हो. हालांकि हम पढ़ रहे हैं present, लेकिन एक sentence past आ गया तो past आग भी आने वाले time में next structure में वही सीखेंगे. Her scheme is to help the women. कि उसकी जो scheme है वह है महिलाओं की सहायता करना. ध्यान दीजिए, ये यहां पर plural है. इसके प्रोनंसिएशन अगर ये सिंगुलर है तो इसका प्रोनंसिएशन वूमन होता है, लेकिन प्लूरल है इसको बोलेंगे वूमन नहीं वीमन. वीमन क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए. अब आपका सब्जेक्ट है आई एम. इनमें सब्जेक्ट जो है अलग अलग नाउन्स था. अब आप देखिए, आई एम टू टेक माय एग्जाम नेक्स्ट मंथ. इट मींस मुझे परीक्षा अगले महीने देना है. सो आई एम टू टेक, यानी ये एक तरह से नियर फ्यूचर दिखा रहा है. इजारम के बाद वॉज वाला, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई एम टू गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, तो मीनिंग है मुझे अगले माह मुंबई जाना है. तो अभी आने वाले टाइम में नियर फ्यूचर में ये काम होना है. लेकिन यहां पर एक अंतर है, ये आपकी विलिंगनेस है, मन की इच्छा है, कोई दबाव नहीं है. दबाव अगर होता है तो हैव टू हैज टू का प्रयोग होता है, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं. अभी मैं डिफरेंस सिखाऊंगा. हालांकि यहां पे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहां पर छह नंबर पे, दे आर टू बाय ए कार सून. शीघ्र ही वे कार खरीदने वाले हैं, यानी वे कार खरीदने को हैं. शब्द से शब्द अनुवाद है ये, पर मीनिंग है शीघ्र ही वे कार खरीदने वाले हैं. तो आर के बाद टू बाय, खरीदी नहीं है, अभी खरीदेंगे आने वाले टाइम. नेक्स्ट देखिए, वी आर टू गो एब्रॉड नेक्स्ट ईयर. एब्रॉड का मतलब बाहर, विदेश. मीनिंग है हमें अगले वर्ष विदेश जाना है, यानी विदेश जाने को है, गए नहीं है, जाना है. नेक्स्ट देखिए, यू आर टू वर्क हार्ड टू सक्सीड. सफलता के लिए आपको कड़ी मेहनत करना है, तो यू आर टू वर्क हार्ड. और नेक्स्ट अटेंथ, विजिटर्स आर टू वेट हियर. कि आगंतुकों को यहां इंतजार करना है. He is to finish his work. वह अपना काम खत्म करने वाला है. She is to fly London tomorrow. उसे कल लंदन जाना है, यानी उसको वह कल लंदन जाने को है. तो एक बात बहुत क्लियर है, आप पास्ट का ये सेंटेंस अभी फिलहाल छोड़ दें तो ये जो 10 सेंटेंस जो यहां पे लिखा है इनका सबका मतलब है कि ये लोग, अगर ये लोग वग हैं तो यहां पर ये लोग, ये वाला काम जो कि टू फॉर्म से दर्शाया है, निकट भविष्य में करने वाले हैं. ऐसे यहां लिखा है कि सिक्का कोई योजना कोई प्लान, तो उस व्यक्ति की ये वाली योजना प्लान निकट भविष्य में ऐसा काम करने की है. तो यहां पर इजारम के बाद डायरेक्ट टू फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया गया है. तो ये व्यक्ति या ये जो भी सब्जेक्ट है, ये वाला काम करने को है या वो करने वाला है. क्लियर? ये निकट यानी नियर फ्यूचर दिखाता है. अब हम लोग ये सीखेंगे कि ये तो देखिए कुछ मीनिंग मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर बताया, फिर मैं आपको इस बात को दोहरा दूं. देखिए, जब आप इजारम वॉज और का मुख्य क्रिया के रूप में यूज करते हैं तो इनके बाद या तो नाउन लगता है, या क्वालिटी बताने के लिए एडजेक्टिव लगता है, या फिर नाउन और एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन लगता है, या फिर प्रेपोजिशनल फ्रीज लगता है. ये चार स्ट्रक्चर आपको मुख्य क्रिया के रूप में इजारम वॉज वर्ब का प्रयोग हुआ है. जब आप इसको एज ए हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो इजारम वॉज वर्ब के बाद कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म लगता है, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगता है, या फिर टू फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है. तो आइए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग प्रेजेंट और पास्ट दोनों में कब किया जाता है ये देखते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लिखने बोलने के हिसाब से. पहला इसका यूज है, दिस स्ट्रक्चर इज यूज टू टॉक अबाउट फ्यूचर अरेंजमेंट्स और व्हाट समबडी विल डू इन फ्यूचर. तो देखिए क्लियरली लिखा है कि आप भविष्य का जो आपके काम करने का व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट है, उसको दिखाता है, या फिर कोई भविष्य में खासतौर से नियर फ्यूचर में क्या काम करेगा यह दिखाया जाता है.
और इन सेंटेंस स्ट्रक्चर में इजारम वॉज और के तुरंत बाद टू फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इनका नेगेटिव भी बनता है जो मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा। तो इस यूज में आप कुछ सेंटेंस देखिए जो मैंने यहां पे लिखे, जैसे द एक्यूज्ड आर टू अपीयर इन कोर्ट टुडे। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, वर्ब रूप में जब हम यूज करते हैं एक्यूज मीन्स आरोप लगाना। अब आरोप लगा दिया गया तो ये पास्ट पार्टिसिपल जो है ये यहां पर एक तरीके से नाउन का काम कर रहा है। द एक्यूज्ड आर टू अपीयर इन कोर्ट टुडे, आरोपियों को आज कोर्ट में पेश होना है। तो फ्यूचर अरेंजमेंट या समबडी विल डू इन फ्यूचर, तो ये भविष्य में अपीयर होंगे। अगला सेंटेंस देखिए, दे आर टू लॉन्च ए न्यू स्कीम दिस वीक, इस सप्ताह वे नई स्कीम लॉन्च करने वाले हैं या उन्हें नई स्कीम लॉन्च करना है। थर्ड नंबर पे सेंटेंस देखिए, माई फ्रेंड इज टू स्टे हियर फॉर 10 डेज, मेरा दोस्त या 10 दिन उसको ठहरना है, या वह 10 दिन ठहरने को है या उसे 10 दिन ठहरना है। सो माय फ्रेंड इज क्या करने को है, टू स्टे। फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, ये बार बार मैं इसको दोहरा रहा हूं क्योंकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहे हैं तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। इजारम वॉज वर्क के बाद या तो आईएनजी फॉर्म होता है या थर्ड फॉर्म होता है पैसिव वॉइस में या फिर आपका टू फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट देखिए, शी इज टू कम इन एन आवर, कि उसे एक घंटे में यहां आना है या वह एक घंटे में यहां आने को है। सो शी इज क्या करने को है, टू कम हियर इन एन आवर। क्लियर। नेक्स्ट, माई फादर इज टू रिटायर नेक्स्ट ईयर, कि मेरे पिताजी अगले साल सेवानिवृत्त होने वाले हैं यानी रिटायर होने वाले, तो फ्यूचर दिखा रहा है। आई एम टू पार्टिसिपेट इन ए प्रोग्राम, तो मैं हूं क्या करने को हूं, टू पार्टिसिपेट इन ए प्रोग्राम, मुझे एक कार्यक्रम में भाग लेने को हूं या मुझे भाग लेना है। आई एम टू राइट ए न्यू बुक इन मार्च, कि मार्च में सून। सो आई एम टू राइट ए न्यू बुक सून, मैं शीघ्र ही नई किताब लिखने वाला हूं। दे आर टू गेट मैरिड इन मार्च, उन्हें मार्च में शादी करना है या वे शादी करने को है। और नाइन्थ नंबर पे देखिए, बैंक्स आर टू रेज देयर इंटरेस्ट रेट्स, कि जो बैंक्स हैं वे अपने ब्याज की दर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने को हैं या बढ़ाने वाले हैं। तो ये नियर फ्यूचर में बैंक क्या करने को है, टू रेज देयर इंटरेस्ट रेट्स। ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस एक और देखिए, सम सोल्जर्स आर टू रिसीव अवार्ड्स फ्रॉम द प्रेसिडेंट इन देयर फॉर देयर ब्रेव एक्शंस, कि कुछ सिपाही अपने बहादुरी के कारनामे जो उन्होंने किए, बहादुर कारनामे जो किए हैं उसके लिए कुछ अवार्ड पाने को है या उन्हें अवार्ड वो मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कि जब कभी भी इज आर एम प्रेजेंट में अगर इनके बाद टू फॉर्म का प्रयोग किया जाए तो दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू टॉक अबाउट फ्यूचर अरेंजमेंट्स और व्हाट समबडी विल डू इन फ्यूचर, ये मीनिंग होता है। क्लियर। आइए कुछ इंपॉर्टेंट यूज और सीखते हैं इसके। और अगला देखिए, आप देखिए, वी ऑल्सो यूज दिस स्ट्रक्चर टू टेल समबडी व्हाट टू डू इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन और टेल समबडी अबाउट ए रूल। अब यहां पर मान लीजिए आपने मुझे पूछा कि साहब मैं क्या करने को, मुझे क्या करना है यहां पर, तो उनका यू आर टू रीड ए न्यूज़पेपर। तो जब कोई एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को यह बताता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस व्यक्ति को क्या काम करना है, क्लियर, या किसी रूल के बारे में बताया जाए, जैसे मैंने कहा कि आपको 10 बजे क्लास में आना है, सो यू आर टू कम इन द क्लास एट 10 o'clock। तो दो इंपॉर्टेंट बात हो गई, नंबर एक, सामने वाले व्यक्ति को किसी विशेष परिस्थितियों में क्या काम करना है यह बताने के लिए इसका यूज करते हैं। और जनरली इनका सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो या तो सेकंड पर्सन होता है या थर्ड पर्सन होता है, या फिर किसी कानून या नियम के बारे में बताने के लिए। तो सेंटेंस देखिए, ऑल एम्प्लॉयज आर टू वेयर यूनिफॉर्म्स ऑन ड्यूटी, कि सभी कर्मचारियों को, रूल है, सभी कर्मचारियों को
ड्यूटी पर अपनी पोशाक यानी यूनिफॉर्म्स पहनना है। तो यहां पर एक तरीके से किसी रूल के बारे में जानकारी दे दी गई है कि सभी एम्प्लॉयज को ड्यूटी पर जो है यूनिफॉर्म्स पहनना है, यानी वो यूनिफॉर्म्स पहनने को है। तो ये रूल के बारे में कि टू टेल समबडी अबाउट ए रूल, देखिए यू आर टू वेट हियर टिल आई कम बैक। अब किसी व्यक्ति को कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में ये बताया गया कि उसे क्या करना है, तो उसे क्या करना है कि भाई मैं जब तक यहां वापस आऊं आप इंतजार करो यहां पर। सो यू आर टू वेट हियर, हालांकि डायरेक्ट आप ये भी कह सकते हैं वेट हियर टिल आई कम बैक, पर पूरा सेंटेंस किया यू आर टू वेट हियर टिल आई कम बैक कि मैं जब तक आऊं आपको यहां इंतजार करना है। नेक्स्ट देखिए, विजिटर्स आर टू पार्क देयर व्हीकल्स आउटसाइड, कि जो आगंतुक है उन्हें अपनी कार बाहर पार्क करना है। अब चाहे ये रूल हो या उनको ये बताना हो कि यदि वो कार से आते हैं तो इन परिस्थितियों में उन्हें क्या काम करना है। तो यहां पर सामान्यतः हिंदी में मीनिंग क्या आता है, ना है, जैसे आई एम टू वर्क हार्ड, मुझे कड़ी मेहनत करना है। यू आर टू वर्क हार्ड, आपको कड़ी मेहनत करना है। पर मीनिंग यह है यहां जोर जबरदस्ती का भाव नहीं है, ये आपकी विलिंगनेस है या कोई आपको क्या करना है ये बता रहा है। इसका नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए, यू आर टू रन फास्ट टू रीच देयर ऑन टाइम, कि आपको वहां समय पर पहुंचने के लिए तेज दौड़ना है। तो मीनिंग क्या है जो यहां लिखा ना कि टू टेल समवन समबडी टू डू व्हाट टू डू इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, कि किसी व्यक्ति को कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या काम करना है ये बताने के लिए इजारम वॉज वर्क के इजारम के बाद टू फॉर्म ऑफ द वर्ब का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज हो रहा है, इट इज ऑल्सो यूज टू टेल समबडी वॉट दे शुड डू और मस्ट डू, हाउ इट शुड बी डन और टू आस्क हाउ समथिंग कैन बी डन, ये बताने के लिए कि किसी व्यक्ति को ये बताने के लिए कि उसे क्या काम करना चाहिए, वह काम कैसे करना चाहिए, मीन्स हाउ शुड बी डन यानी वो काम कैसे किया जाना चाहिए, या फिर ये पूछने के लिए कि वह काम कैसे किया जा सकता है, कैन बी डन। जैसे एग्जाम्पल्स आपको और समझ में आएगा, यू आर टू रिपोर्ट इट टू द पुलिस इमीडिएटली, कि आपको तुरंत इसको पुलिस को रिपोर्ट करना है। तो उन्हें उन परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए आप जो सलाह दे रहे हैं या जरूरी बता रहे हैं कि उन्हें इन परिस्थिति में क्या करना चाहिए। दूसरा देखिए, चिल्ड्रन आर नॉट टू प्ले नियर वाटर पॉन्ड, कि बच्चों को पानी के तालाब जो पॉन्ड है जो पानी भरा हुआ है उसके पास नहीं खेलना है। थर्ड नंबर पे, यू आर टू इंप्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज, कि आपको अपनी अंग्रेजी भाषा सुधारना है तो उन्हें क्या करना चाहिए वो बताया गया है। और लास्ट सेंटेंस देखिए, हाउ आर वी टू गेट आउट ऑफ दिस प्रेजेंट क्राइसिस, कि इस वर्तमान की जो क्राइसिस है जो समस्या है उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है, कैसे निकल सकते हैं। सो हाउ आर वी टू गेट आउट ऑफ दी प्रेजेंट क्राइसिस, तो कोई काम कैसे किया जा सकता है ये पूछा गया है। क्लियर, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। इसके अलावा जो शुरुआत में मैंने एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में मैंने बताया था, इट इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस समबडीज प्लान एक्सपेक्टेशन होप इंटेंशन विश और प्रोग्राम और स्कीम, कि किसी व्यक्ति की प्लान उसकी आशाएं यानी उसकी एक्सपेक्टेशन होप उसका इंटेंशन उसकी स्कीम ये बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे माई प्लान इज टू स्टार्ट ए न्यू स्कूल, मेरी योजना एक नया स्कूल शुरू करने की है। माई विश इज टू हेल्प द पुअर, मेरी इच्छा गरीबों की सहायता करने की है। हिज गोल इज टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, उसका गोल यानी उसका जो उद्देश्य है वह एक आईएएस ऑफिसर बनने का है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर है, अधिकांश विद्यार्थियों को स्कूल्स एंड कॉलेज लेवल पर इस स्ट्रक्चर्स को नहीं पढ़ाया जाता है। अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ें और यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर का क्या भाव है, क्या मीनिंग है,
ये जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये स्ट्रक्चर था इज आर एम के बाद टू फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करना। ये चार सिचुएशंस मैंने इसके बताई, यानी इसके ये इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। अब मैं कुछ आपको इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, पास्ट के बारे में भी, प्रेजेंट के बारे में भी, कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं आप दूसरे सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ, वह मैं आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूं। आइए अगला इंफॉर्मेशन यहां पर अब पास्ट के बारे में लेके बताया गया। इसका मतलब बीते हुए समय में किसी व्यक्ति को कोई काम करना था, अब उस व्यक्ति ने काम किया या नहीं किया यह आपको कंफर्म नहीं है, बस उसे वो काम करना था आपको इतनी जानकारी है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा राम वॉज टू कम हियर यस्टरडे, राम को यहां कल आना था, यानी राम कल यहां आने को था। अब यह बात तभी कहते हैं या तो वह आया नहीं तो आपको मालूम नहीं है, बस उसका आना तो था, वह आया या नहीं आया इसकी अभी कंफर्म आपको जानकारी नहीं है। तो बीते हुए समय में किसी व्यक्ति को कोई काम करना था, उसने वह काम किया या नहीं किया इसके बारे में कोई सर्टेनिटी वाली इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, जो भी नाउन या प्रोनाउन आप सब्जेक्ट के रूप में यूज करें, देन वर्ब टू बी यानी वॉज एंड वर्ब पास्ट में यूज, किसमें है पास्ट, साथ में टू फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स समबडी वॉज वर टू डू समथिंग। तो यहां सिंगुलर प्लूरल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज, प्लूरल है तो वर्ब का प्रयोग होगा, क्लियर। और उसके बाद टू फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे सेंटेंस देखिए आई वॉज टू राइट ए बुक, मुझे एक किताब लिखनी थी, चूंकि खुद के बारे में है तो एक कंफर्म है कि मैंने वो किताब लिखी नहीं, बस मुझे लिखना तो था पर मैंने नहीं लिखा, तो फिर ऐसी मेरी योजना थी, मैं था एक नई एक किताब लिखने को पर मैंने लिखी नहीं, इसलिए सेंटेंस कहा गया। ठीक, मान लीजिए कल कोई सेमिनार हुई, आप भी आमंत्रित थे, आपको वो अटेंड करनी थी पर आपने नहीं की, तो आप कहते हैं आई वॉज टू अटेंड द मीटिंग और सेमिनार यस्टरडे बट आई डिडंट, कि मुझे करना तो था लेकिन मैंने अटेंड की नहीं। नेक्स्ट देखिए ही वॉज टू सेल हिज ओल्ड कार, उसे अपनी पुरानी कार बेचनी थी, अब वो कार उसने बेची या नहीं बेची इसके बारे में आप सर्टेनिटी से नहीं कह सकते, बस उसे बेचना तो था, वॉज टू सेल। नेक्स्ट देखिए वी वर टू टेक द एग्जाम, हमें परीक्षा देनी थी, तो जब हम अपनी बात कर रहे हैं इसमें हमें जानकारी है हमने वो परीक्षा नहीं दी। दे वर टू कम हियर यस्टरडे, उन्हें कल यहां आना था, यानी उनको वे कल यहां आने को थे, हो सकता आए भी हो सकता नहीं भी आए, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, बट वॉज वर्क के बाद टू फॉर्म ऑफ द वर्क। नेक्स्ट है यू वर टू फिनिश द वर्क लास्ट वीक, आपको काम पिछले सप्ताह पूरा करना था, या आप पिछले सप्ताह काम पूरा करने को थे, या आप पिछले सप्ताह काम पूरा करने वाले थे, तो यहां पर यू वर के साथ टू फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर देखिए मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने अभी आपने लिखा आई एम ही सी इज वी आर यू आर दे आर, या आई वॉज ही वॉज शी वॉज वी वर यू वर दे वर, कंटिन्यूअस टेंस में तो इनके साथ आईएनजी फॉर्म लग जाता है, पैसिव वॉइस में इनके साथ थर्ड फॉर्म लग जाता है, या फिर आप टू फॉर्म लगा सकते हैं, बट आई एम ही सी इज वी आर यू आर दे आर आई वॉज ही वॉज शी वॉज वी वर यू वर दे वर, इनके साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मत लगाइएगा, कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म मत लगाइएगा, ये पास्ट है पर सेकंड फॉर्म कहीं नहीं है। सिक्स नंबर सेंटेंस देखिए यू वर टू कम एट 10 o'clock, आपको 10 बजे आना था, इट मींस ये 10 बजे आए नहीं, लेट आए तभी आपने ये बात कही। ही वॉज टू गिव मी सम मनी, यानी वह मुझे कुछ पैसा देने वाला था, यानी वह मुझे कुछ पैसा देने को था, या उसको मुझे कुछ पैसा देना था। नेक्स्ट देखिए द फिल्म वॉज टू स्टार्ट एट 4 PM, कि फिल्म 4 बजे शुरू होने वाली थी, या 4 बजे फिल्म शुरू होने को थी, या फिल्म को 4 बजे शुरू होना था, अब वो हुई नहीं होगी तभी आप ये बात कह रहे हैं। द ट्रेन वॉज अराइव टू एट 6 o'clock,
कि ट्रेन 10 बजे आने वाली थी या ट्रेन को सॉरी 6 बजे या ट्रेन को 6 बजे आना था या ट्रेन 6 बजे आने को थी, तो तात्पर्य सीधा सा यह है कि वह 6 बजे ट्रेन आई नहीं, बस कार्यक्रम था 6 बजे आने का पर वह आई नहीं, बाद में आई या आई नहीं, यह मान लीजिए। और लास्ट है, ही वॉज टू रिग्रेट हिज डिसीजन फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, कि उससे उस निर्णय को जिंदगी भर खेद जताते रहना था। इट मींस ही डिडंट रिग्रेट, लेकिन उसने रिग्रेट किया नहीं। और लास्ट सेंटेंस है, यू वर टू कम बिफोर एन आवर, आपको एक घंटे पहले आना था। तो ध्यान दीजिए, वॉज वर्ब के बाद टू फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया, इट मींस इन लोगों को ये वाला काम करना था या ये व्यक्ति ये वाला काम करने वाले थे। अब या तो उन्होंने वह काम नहीं किया और किया तो आपको पता नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, बहुत बड़ा डिफरेंस, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताना चाहूंगा, यह आपको कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से हिंदी के शाब्दिक अर्थों में मैं आपको दो सेंटेंस यहां पर पहले समझा दूं। देखिए, आइए इस बोर्ड पर आप सेंटेंस देखिए, ये पास्ट के सेंटेंस है, पर मैं पहले आपको इसके बारे में एक प्रेजेंट के दो सेंटेंस यहां पर लिख के बता दूं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैंने यहां पर एक अलग से यहां पर कॉलम बना रहा हूं, मैंने यहां दो सेंटेंस यहां पर लिखा, जैसे आई एम टू गो टू इंदौर। तो ये तो आपको मालूम है कि जब इजारम के बाद टू फॉर्म लगता है तो ये नियर फ्यूचर दिखाता है, तो इसका मीनिंग है कि आई एम टू गो टू इंदौर, मुझे इंदौर जाना है या मैं इंदौर जाने को हूं। इस स्ट्रक्चर में जाना है, कोई किसी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं है, आपकी इंटरनल फीलिंग है, आपकी विलिंगनेस है कि मुझे इंदौर जाना है। पर आपने इसी को यह कह दिया आई हैव टू गो टू इंदौर, अब इनका शाब्दिक अर्थ तो एक हो सकता है, लेकिन इसमें तो इस आई की जाने की विलिंगनेस है, पर दूसरा वाला व्यक्ति जब ये दूसरे सेंटेंस में तो कहा आई हैव टू गो टू इंदौर, तो इसमें विलिंगनेस नहीं है बल्कि बाहरी परिस्थितियां, बाहरी व्यक्ति के दबाव के कारण मुझे इंदौर जाना है। तो शाब्दिक अर्थ दोनों का एक जैसा हो सकता है, जैसे मुझे इंदौर जाना है, और इसका भी हो सकता है मुझे इंदौर जाना है, पर इसे छिपा हुआ भाव यह है कि मुझे इंदौर जाना पड़ता है, जाना ही है या जाना होता है। इसमें दबाव है, आउटर फोर्स, भारी दबाव है, इसमें मन की विलिंगनेस है, क्लियर। इसलिए देखिए यहां पर यह सेंटेंस मैंने लिखा, आप इनको समझ लीजिए, एक और इन दोनों सेंटेंस का हम नहीं समझिए। पहला है आई एम टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना है। दूसरा मैंने लिखा आई हैव टू गेट अप अर्ली, इसका मतलब भी शाब्दिक अर्थ हो सकता है, मुझे जल्दी उठना है, लेकिन इसमें आपकी विलिंगनेस है, आपका अंदर का भाव है कि भाई मुझे जल्दी उठना है, या आपके हेल्थ के लिए अच्छा है या कहीं जाना है, जो भी है। पर जब आप कहते हैं आई हैव टू गेट अप अर्ली, इट मीन्स आपकी खुद की इच्छा जल्दी उठने की नहीं है, पर किसी आउटर फोर्स, दबाव के अंदर, भारी दबाव के कारण आपको यह काम करना पड़ता है, करना होता है, करना है, करना ही है, तो फिर यह आउटर फोर्स को दिखाता है। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक। तो यह तो हुआ प्रेजेंट में, इसी के देखिए मैं आपको एक जो इन दोनों में अंतर बताना चाह रहा था, अब आइए पास्ट में अंतर बताता हूं। एक सेंटेंस देखिए, दे वर टू गेट मैरिड, सिंपली यहां पर वर्क के बाद टू गेट मैरिड है, इसका मतलब बीते हुए समय में वे कोई काम करने को थे, यानी मीनिंग है उन्हें शादी करना थी या वे शादी करने वाले थे, ऐसा मीनिंग, यानी दे वर टू गेट मैरिड। लेकिन अब यहां टू गेट मैरिड को परफेक्ट स्ट्रक्चर में लिख दिया, दे वर टू हैव गॉट मैरिड। अब इन दोनों में क्या अंतर, अब अंतर यह है दोनों का भाव तो यही है कि वे शादी करने वाले थे, पर यह तो मानो कि नियर पास्ट दिखाता है, अभी हाल ही में,
इसका मतलब कि वो बहुत पहले शादी करने वाले थे, अभी तक शादी नहीं की, तो करने वाले तो बहुत पहले थे। परफेक्ट का मतलब भी परिपूर्ण होता है, यानी ये शादी का काम पूरा करना बहुत पहले था लेकिन उन्होंने की नहीं। और ये दिखाता है निकट भूतकाल। उसी के दो सेंटेंस और देखिए, ही वॉज टू सेल इज ओल्ड कार, उसे नई कार बेचनी थी, तो हो सकता है अभी हाल ही में, लेकिन जो वॉज टू हैव सोल्ड इज ओल्ड कार, इटमीन बहुत पहले उसे नई कार बेचनी थी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये, लेकिन मैं आपको पुनः दोहराना चाहूंगा कि ये जो स्ट्रक्चर, इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। अगर आप अक्सर न्यूज़पेपर आप रेगुलर पढ़ते हैं, जनरली इस तरीके का स्ट्रक्चर क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाता है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इजारम के बाद या किसी और भी वर्ब के बाद परफेक्ट स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। परफेक्ट स्ट्रक्चर का प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसलिए आप रेगुलरली जब न्यूज़पेपर में या किसी बुक में पढ़े तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए और इसको जरूर समझें, देखें। इनमें अंतर बहुत ज़्यादा है, इसलिए बस इतना ही कहना चाहूँगा, जब इजारम वॉज के बाद टू फॉर्म हो तो ये किसी भी व्यक्ति जो सब्जेक्ट है, डूअर है, परफॉर्मर है, उसके मन की विलिंगनेस है, उस पर कोई बाहरी दबाव नहीं है। पर अगर आप हैव टू हैज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इट मींस इसमें उस परफॉर्मर की खुद की इच्छा नहीं है, उसकी खुद की विलिंगनेस नहीं है, वह व्यक्ति ये वाला काम भारी दबाव में करता है या उसको करना पड़ता है। मैं एक स्ट्रक्चर और समझाना चाहूँगा जो कि पास्ट का है। आइए मैं यहाँ पर नए सिरे से यहाँ पर इसको लिख दूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, ध्यान दीजिएगा इसको, राम वॉज टू कम हियर यस्टरडे। क्या मीनिंग है बताइए, मीनिंग तो समझ गए, राम को कल यहां आना था, यानी राम कल यहां आने को था। अब ये आया या नहीं आया इसके बारे में आपको किसी निश्चितता के साथ मालूम नहीं है, बस उसकी योजना थी कि उसको ये वाला काम बीते हुए समय में लिखा हुआ यस्टरडे करना था। अब आइए दूसरा, इसी में मैंने यहां पे दूसरा सेंटेंस लिख दिया, राम हैड टू कम हियर यस्टरडे। अब आप इनका अंतर देखिए, जैसे मैंने आपको अभी सेंटेंस ये वाले बताए थे ना दोनों, देखिए ये सेंटेंस, तो इनमें तो देखिए सिर्फ अंतर ये है कि आने वाले टाइम में, निकट फ्यूचर में, यानी नियर फ्यूचर में, इस आई को ये काम करना है, बस ये उसकी विलिंगनेस है, दबाव नहीं है, ये उसकी मजबूरी है कि इस मजबूरी में वो काम करना पड़ता है। तो प्रेजेंट में तो ये दोनों काम होने हैं, एक दबाव के कारण से, एक मन की इच्छा के कारण से, लेकिन पास्ट में इन दोनों के मीनिंग में बहुत बड़ा अंतर है जो मैंने यहां पे लिखा, देखिए आपके सामने। इन दोनों में अंतर यह है कि यहां पर उसे आना था, वह राम आया या नहीं आया इसके बारे में सर्टेनिटी से आप नहीं बता सकते हैं, बस उसकी योजना थी कल आने की, तो राम को यहां कल आना था या राम कल यहां आने वाला था। पर आप कहते हैं राम हैड टू कम हियर यस्टरडे, तो इसका मीनिंग है राम को कल यहां आना पड़ा, अब कोई दबाव था इस राम पर, कोई आउटर फोर्स था, उसकी मजबूरी थी, उस दबाव और उस मजबूरी के कारण राम को कल यहां आना पड़ा, तो इसमें वो कल आ गया था यहां, यह सर्टेनिटी है। यहां पर कोई सर्टेनिटी नहीं है, यहां सर्टेनिटी है कि राम को कल यहां आना पड़ा। आप अंतर समझ गए, जब मैंने कहा I am to go and I have to go. I am to go willingness, I have to go दबाव है, outer force है। और जब कहा I was to go, मैं जाने को था, I had to go, मुझे जाना पड़ा, तो दोनों के मीनिंग में अंतर हो गया। यहां तो मुझे कोई काम करना था, किया या नहीं किया सर्टेनिटी नहीं है, सो वैसे ही राम was to come, राम को आना था, राम had to come, इसमें राम को आना पड़ा, तो है ना बहुत बड़ा अंतर। इसलिए आप लोग जो ये स्ट्रक्चर है इसको कंपैरेटिव स्टडी करें, आई हैव टू, वी हैव टू, यू हैव टू, दे हैव टू, ही हैज टू, शी हैज टू, या आई एम टू गो, आई एम टू डू समथिंग, वी आर टू डू समथिंग, यू आर टू डू समथिंग, दे आर टू डू समथिंग, ही इज टू डू समथिंग, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो फिर मैं आपको दोहरा दूं,
कि वर्ब टू बी मुख्य क्रिया के रूप में इजारम वॉज वर्ब के चार ही प्रयोग हैं। पहला नाउन को जोड़ना सब्जेक्ट से, एडजेक्टिव को जोड़ना सब्जेक्ट से, एडजेक्टिव प्लस नाउन को जोड़ना सब्जेक्ट से, प्रेपोजिशनल फ्रेज को जोड़ना सब्जेक्ट से। लेकिन जब हम लोग इन्हीं इजारम वॉज वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करें तो इनके बाद कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, या फिर इनके बाद टू फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए जो अपनी युवाम की इंग्लिश लैंग्वेज में डीजी इंग्लिश ग्रामर बुक है उसको आप पढ़िए। सभी चैप्टर वाइज मैंने इन चैप्टर्स को यहाँ आपके सामने मेरी रियल क्लासेस से रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ ताकि आप इनको अच्छे से पढ़ सकें। और पहले फेज में जितने भी हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं हम उन सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की जानकारी हम लोग डिटेल में ले रहे हैं। मुझे आशा है आप ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ गए होंगे। इसके आगे भी अभी वर्ब टू बी के बाद जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं वो हम और सीखेंगे। सभी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं उनको एक बार के लिए समरी के रूप में आपको और बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।